यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. एक बार मुझे बता दो, दोगे इज एवरीथिंग ओके और नॉट? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन. यस, इट्स नॉट गुड आफ्टर, गुड मॉर्निंग, इट्स गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून एवरीवन. लविनिता बंजारा, गुड आफ्टरनून. स्वप्निल, अच्छा एवरीथिंग इज ओके ना? चलो ओके है, सब ओके है. ओके है तो स्टार्ट किया जाए. आप लोगों का डिमांड था कि मैम स्टेनो का पेपर करवा दीजिए जो इस बार एग्जाम्स में आया था, तो आई डिसाइडेड कि इस बार स्टेनो का ही मॉक में स्टेनो ही कर लिया जाए. ओके, और बारी बारी से खुश रहिए बोलोराज, बारी बारी से मैं आपको सारा पेपर करवा दूंगी. जो लोग इस बार स्टेनो का एग्जाम दिए होंगे ना, उन्हें फेस किया होगा इस पेपर को, किसी ना किसी के सेट में तो आया था. तो ये जो पेपर है दैट इज ऑफ स्टेनो, स्टेनो विच वॉज हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दैट इज 2019 का पेपर है. 20 में, 2020 में हुआ था, बट 19 का पेपर था ये स्टेनो दिसंबर. खुश रहिए प्रवीण, खुश रहिए. ओके, तो काफी बच्चे स्टेनो का बोल रहे थे कि मैम स्टेनो का भी सेट्स करवा दीजिए. स्टेनो को इग्नोर मत करिए, इग्नोर मैं किसी को नहीं करती. ओके चलो, पहला वाला क्वेश्चन मुझे बताओ. बहुत सारे 100 क्वेश्चन है, अब देखो हम लोग कितना कर पाते हैं. शी इज टीचिंग द चिल्ड्रेन बॉटनी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. जल्दी जल्दी, मॉक टेस्ट है तो थोड़ा जल्दी जल्दी तो करना हो. शी इज टीचिंग द चिल्ड्रेन, मॉक टेस्ट है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा. शी इज टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और जब भी आईएनजी है तो ये आंसर होगा बीइंग टॉट. बीइंग, बीइंग, वेरी गुड. सेकेंड वाला डूबियस, 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 डूबियस आइडेंटिटी, ये पढ़ा दिया है मैंने. डूबियस, डूबियस का मतलब क्या है? नोटेबल, नोटेबल मतलब ध्यान देने योग्य, अनविलिंग मतलब अनिच्छुक, इंप्रेसिव तो पता है. आंसर बताइए, आंसर. डूबियस का मतलब क्या है? डूबियस मतलब डाउटफुल, डाउटफुल मतलब अनसर्टेन है. अनसर्टेन, वेरी गुड, अनसर्टेन. टेंड, और इन्होंने एग्जाम में टेंड वर्ड दिया था और वी लिख दिया है, मतलब टेंड वैसे नाउन भी होता है बट यहाँ हमें एज अ वर्ब यूज करके बताना है. टेंड, 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 टेंड. 2019 का स्टेनो पेपर है ये, हल्ला करते हो स्टेनो का करवा दीजिए. हाँ, कल मैंने प्लस पे करवाया था शॉर्ट मूवीज, कल करवाया था. मैंने सोचा अभी यूट्यूब पे भी जो बच्चे फ्री वाले हैं, फ्री क्लासेस देखते हैं, अपने प्लस कोर्स में बता दीजिए कौन सा क्लास करूं. अभी अभी गोलू प्लस पे एक नया बैच आ रहा है, ठीक है, फेब्रवरी के फर्स्ट वीक से. आप सीधा उसी को ज्वाइन करना, फेब्रवरी फर्स्ट वीक से एक नया बैच आ रहा है, उसी को ज्वाइन करना. हाँ, टेंड, टेंड करना मतलब क्या करना? टेंड, यस, टेंड मतलब अटेंड, अटेंड में भी टेंड वर्ड है, किसी को अटेंड कर रहे हो, उसकी देखभाल कर रहे हो, तो टेंड करना है. यस, केयर करना, केयर, केयर, केयर करना, केयर करना. नेक्स्ट, सेवरल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स वर शेयर बाय द ग्रुप ऑफ अकेडमिक्स. सारा बारी बारी से सारा स्टेनो का पेपर, आई थिंक 4 से 5 सेट था, वो सब हम बना लेंगे. सेंड अवे नहीं होगा स्वप्निल, अटेंड का मतलब होता है केयर करना. यू आर अटेंडिंग टू योर गेस्ट, आप अपने गेस्ट को अटेंड कर रहे हो और गेस्ट की देखभाल कर रहे हो. सेवरल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स वर, और सब स्टूडेंट्स को पता है कि वर के बाद या तो आईएनजी होता है एक्टिव में या तो पैसिव में वी थ्री होता है, बट चेयर तो ना आईएनजी है ना वी थ्री है, गलत आंसर. आर के बाद या तो आईएनजी या तो वी थ्री, ये भी गलत. और सेंटेंस पैसिव जा रहा है ना, आर्टिकल्स वर शेयरिंग नहीं होगा, आर्टिकल्स खुद ब खुद थोड़ी शेयर होगा, किसी के द्वारा शेयर होगा, तो हमें वी थ्री चाहिए और बाय चाहिए. आंसर थर्ड, कीप एट आर्म्स लेंथ, कीप एट आर्म्स लेंथ. कीप एट आर्म्स लेंथ, जैसे बोलते हैं ना मदर फादर, भाई दूरी बना के रखो, अच्छा बच्चा नहीं है. बैड कंपनी, बैड कंपनी मतलब बुरी संगत से कीप एट एन आर्म्स लेंथ, दूरी बना के रखना. हाँ, ये सारे स्टेनो का क्वेश्चन है भाई,
ये सारे हैं 2019, मतलब 20 में एग्जाम हुआ था, जो दिसंबर, लास्ट दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन। हाँ बताओ। कीप एट एन आर्म्स लेंथ, यस। अब ये नहीं बना बोलना कि एक्सरसाइज करते समय दूरी बनाना। आर्म्स लेंथ मतलब अवॉइड मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्ती कम रखना, किसी से दूरी बनाना। दोस्ती प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गैदरिंग, लोगों को इकट्ठा होने से बचाना। नहीं, अपने आप को किसी से फ्रेंड ज्यादा नहीं बनाना है, दूर रखना। नेक्स्ट, बींग अ हॉट डे, ये तो क्वेश्चन कई बार आता है, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन। बींग अ हॉट डे आई फेल्ट टायर्ड एंड डिसाइडेड टू रिटायर अर्ली। अच्छा, आपका भी 24 दिसंबर का था, वो भी पेपर एक ना एक दिन हम लोग कर ही लेंगे, 24 वाला। आज तो मैंने पहला पेपर उठाया, अभी सब बारी बारी से कर ले। इट वॉज बींग नहीं होगा, इट वॉज बींग थोड़ी होगा, क्योंकि उस दिन हॉट था तो मैं टायर्ड था और डिसाइड किया कि मैं चलो आज जल्दी घर चला जाऊंगा। इट वॉज बींग नहीं होगा, इट वॉज बींग, देखो देखो, इट वॉज बींग ये पैसिव है, और सेंटेंस पैसिव थोड़ी जाएगा, कोई दिन को बिजी नहीं कर रहा था, दिन अपने आप बिजी था, तो वॉज नहीं लगाओगे। इट बींग हॉट डे, पार्टिसिपल वाला एरर है, ऐसा आपने बनाया हो। नेक्स्ट, द प्लम्बर हैज नॉट येट फिक्स्ड द लीकेज इन द टैप। ओके, हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे ताकि हमारा बहुत सारा क्वेश्चंस कवर हो जाए। हाँ, तब तक आप प्री प्लस मेंस वाला करो। बताना, और मैंने आपको बताया ना, एक्टिव पैसिव में हैज प्लस, जब भी सेंटेंस में हैज आ गया ना, तो उसका पैसिव बीन लगा के बनता है, बीन बीन। यहाँ पे बीन नहीं लगा है, गलत है, और यहाँ तो टेंस बदल दिया है, सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, और एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलना, गलत है। और लीकेज सिंगुलर है, उसके साथ हैव नहीं होगा, हैज होगा, तो आंसर फोर्थ फोर्थ। देखना होगा जागृति, मुझे निधि कुलपति को देखना होगा अच्छे से। सस्टेन, सस्टेन करना। राधे राधे मंजू, बहुत टाइम से आ रहे हो। सस्टेन करना किसी को माने आपने इस चीज को सस्टेन कर लिया, सस्टेन इन, सस्टेन करना, सस्टेन करना, सस्टेन डिजाइन करना, सपोर्ट करना, जनरेट करना, प्लान करना, ऐसे सिनोनिम्स बोलना। सस्टेन करना, टाइम लग रहा है आंसर में। सस्टेन करना मतलब सपोर्ट करना, सपोर्ट। ये तो बहुत कॉमन एवरग्रीन सदाबहार इडियम है। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जो पुराना वाला लकड़ी का है उसी का एक आप टुकड़ा हो, मतलब आपके जो पुराने मदर फादर है, आप उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स आप में भी है। मिसलेनियस ही है, मिसलेनियस का तो चल रहा देते हैं, मिसलेनियस का अभी मैं प्रैक्टिस बैच में अनअकैडमी पे करवा रही हूँ, और वैसे मैं नेक्स्ट मंथ यूट्यूब पे भी शुरू करूंगी इंग्लिश विद रानी मैम वाले। ओके, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब लकड़ी का, जो लकड़ी का टुकड़ा है उसी का एक चिप है, हिस्सा है, मतलब यू रिजेंबल योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स की क्वालिटी आप में भी होती है ना, लाइक योर पेरेंट्स। यस, हेड इन द क्लाउड्स, उसका उसका सिर तो आसमान में है, हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स, उसका दिमाग, हाँ, हेड इन द क्लाउड्स का ना उसका मतलब होता है ना, आसमान में उड़ रहा है, दूर है, कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी, कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी, कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी, यस। और किरण छोड़ो ना, अभी मैं जो अभी वर्ड्स करवा रही हूँ यूट्यूब पे, मैं करीब आपको 1400 सिनोनिम्स करवाऊंगी, 1400, और 1400 एंटोनिम्स करवाऊंगी। उसके अलावा किरण छोड़ो, उसके अलावा आप, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने सारा प्रीवियस पेपर, सीपीओ हो, स्टेनो हो, एमटीएसओ, सीएचएसएल, वो सब कंबाइन करके उसको बनाया। ओके, उतना से काम हो जाए। हेड इन द क्लाउड्स, रियलिटी से दूर,
दे वर शोन सम रेयर फोटोग्राफ्स बाय देयर कजिन. ये पैसिव है ना, वर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब सेंटेंस पैसिव. उसको पैसिव है, अब उसको एक्टिव बनाना, और टेंस नहीं बदलना चाहिए, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलना चाहिए. हो जाएगा, हो जाएगा. देयर कजिन शोड वॉज शोइंग नहीं होगा. देखो ये सिंपल पास्ट है, और ये पास्ट कंटिन्यूस कर दिया, इसको पास्ट परफेक्ट कर दिया, इसको तो प्रेजेंट कर दिया, हट गया. देखो कितना अच्छा पेपर आया था स्टेनो में, 90+ वाला आया था. बी नहीं होगा रविंदर, वॉच शोइंग नहीं होगा ना. वॉच शोइंग होता तो यहाँ पे वर्ब बीइंग शोन होता. ये वर्ब शोन सिंपल पास्ट है ना, ये पास्ट परफेक्ट है. आपको भी क्वेश्चन सिंपल पास्ट में होगा ना, तो पैसिव भी सिंपल पास्ट. इट इज हार्टनिंग सीन दैट that everyone is observing the regulations strictly, rules and regulations को. उतना वो गैप पढ़ लीजिए, काफी है. It is heartening seeing that. हाँ बताओ. It is heartening मतलब ये बहुत देख के अच्छा लग रहा है कि सब लोग rules regulations को मान रहे हैं. इट इज हार्टनिंग दैट एवरी वन इज ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग इट इज इट एक मिनट देख लो, पहले देख लो. इट इज हार्टनिंग टू सी दैट एवरी वन विल नहीं है, विल तो नहीं होगा. मतलब ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है ना कि लोग रूल्स को मान रहे हैं. मानेंगे नहीं, ऑलरेडी मान रहे हैं. और एवरी वन सिंगुलर होता है, एवरी वन के साथ आर नहीं होगा, एज होगा. दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए. हाँ, इट इज हार्टनिंग सीन नहीं होगा. इट इज हार्टनिंग, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है. देव सेड टू हिज मदर, डोंट वरी, विल सून फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस क्राइसिस. ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है. मदर से बोला देव ने कि आप वरी मत करो, हम लोग संकट से निकल जाएंगे. यहां देखना, वी विल ये विल है, और पास्ट टेंस में है ना. मदर से पास्ट में बोला, पास्ट टेंस में. तो विल क्या में बदलेगा, विल वुड में बदलेगा. यहाँ तो इन्होंने विल को कुड में बदल दिया, विल को विल छोड़ दिया और शुड में बदल दिया. वी वुड, विल वुड में बदलेगा. सेकेंड आंसर. इतना अच्छा पेपर आया था, एंड उसके बाद फिर आप लोग बोलते हो कि मेरे तो नंबर कट गए. इनिमिकल, और इस साल कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको वर्ड पावर में प्रॉब्लम होना चाहिए था, क्योंकि हमने सारे वर्ड्स यूट्यूब हो, स्पेशल क्लासेस हो, पेड बैचेस है, सब करवा दिए. दिस का दैट बनता बना भी है ना, दिस का दैट. हाँ, यहाँ तो उन्होंने दिस को दिस ही छोड़ दिया, दिस को दिस छोड़ दिया, दिस को दिस छोड़. इजी ऑप्शन है, देखो कितना अच्छा दिया है. इनिमिकल, मैंने आपको बताया है इनिमिकल. इनिमिकल का मतलब है एनिमी, एनिमी से याद कर लो. एनिमी मतलब आपके दुश्मन, जो बहुत हिंसक होते हैं, होस्टाइल. बॉयस्ट्रेस का मतलब तो बॉय शोर शराबा करते हैं, नॉइजी. एनर्जेटिक तो पता है, फ्राइटनिंग इज वेरी भयावह, फियरफुल. आंसर इज होस्टाइल. ऑल द क्लाइंट्स आर एक्टिव पैसिव है. चलिए, पैसिव में दिया हुआ है, आपको एक्टिव बनाना है. पैसिव में दिया आर बीइंग. एक्टिव पैसिव बनाते समय एकदम टेंस पे ध्यान दो. आर बीइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अगर प्रेजेंट है तो आपको भी प्रेजेंट रखना है. ये देखो पास्ट, ये तो एग्जाम में जल्दी जल्दी वाला बनाना था. ये देखो पास्ट कर दिया, और यहाँ पे देखो, हाँ एक मिनट देखो. ऑल द, ये तो मैंने हटा दिया, और बीइंग लगा है. बीइंग लगा है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आई एन जी चाहिए ना, बट यहाँ आई एन जी नहीं, यहाँ भी आई एन जी नहीं होना चाहिए ना. इज इनफॉर्मिंग, ये बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना. नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन डैश अ वेल नोन अकेडमिशियन. द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एक बहुत वेल नोन अकेडमिशियन है.
आ जाते हैं कुछ कुछ इरिटेटिंग पर्सनालिटी, उसको लाइफ में कुछ नहीं किया, यहीं पे आके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। हाँ, द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, फाउंडर सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ तो वर आर नहीं होगा, बॉस बॉस बॉस। इट वॉज ओरिजिनली कमीशन बाय एम। हाँ, ये अरेंजमेंट है। चलो अरेंजमेंट एक बार देखिए, जो स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं, ये स्टेनोग्राफर का पेपर है जो पिछले दिसंबर एग्जाम में आया था। कुछ कुछ होते हैं ना जो अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है। भाई फ्रस्ट्रेटेड हो तो जाओ ना कहीं पे, जो आपकी बातें सुनी, यहाँ पे कोई आपकी बात फ्रस्ट्रेशन सुनने के लिए नहीं बैठा है। ये पढ़ाई वाला प्लेटफॉर्म है, अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालना, चले आते हैं यहाँ। इट वॉज ओरिजिनली, हाँ चलो अब अरेंजमेंट देखो अपना। इट से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। इट मतलब, अच्छा सारे ऑप्शन सी से, हमें ए और बी तो देखना है। अभी देखो कितने अच्छे से उन्होंने ऑप्शंस भी दिया है, सारे ऑप्शंस सी से, मतलब सी ही होगा। द सांची स्टूपा, द ग्रेट स्टूपा एट सांची इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। और ये जो इट लगा है किसके लिए लगा है? डी आंसर है, डी डी आंसर है, डी डी। पहले तो सांची स्टूपा की बात हुई है, सांची स्टूपा वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। इट वॉज ओरिजिनली कमीशन बाय अशोका के द्वारा इन इतना, तो सी के बाद ए ही आए। और फिर देखो यहाँ पे इन्होंने बताया, इट इज वन ऑफ द ए, और फिर उन्होंने इट्स न्यूक्लियस वॉज अ सिंपल हेमिस्फीयर बिल्ट ब्रिक स्ट्रक्चर। ये देखो पहले तो ये ब्रिक स्ट्रक्चर था, ठीक है, सिंपल एक ब्रिक स्ट्रक्चर था, और बाद में इस ब्रिक स्ट्रक्चर को क्राउन कर दिया गया एक छतरी से। पहले ब्रिक स्ट्रक्चर की बात करोगे ना, और बाद में इस ब्रिक स्ट्रक्चर को काउंट, मतलब इसका मतलब है कि डी के तुरंत बाद ही बी होगा। डी के तुरंत बाद फोर्थ आंसर है, फोर्थ फोर्थ मेरा सही हो गया। वेरी गुड, सही हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, एज देर वर ओनली वन कैब अवेलेबल एंड देर वॉज सर्ज प्राइसिंग, सर्ज मतलब बहुत ज्यादा प्राइस था, वी डिसाइडेड टू शेयर इट। नहीं, अभी क्लोजेस्ट नहीं हुआ, अभी क्लोजेस्ट नहीं हुआ। एज देर, ये भी पढ़ा दिया है मैंने। बताओ, एस आंसर बताइए। एस देर, देखो देर 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 के बाद सिंगुलर भी लग सकता है, देर के बाद प्लूरल भी लग सकता है, लेकिन बाद का नाउन देखो, एक कैब की बात हो रही है ना, एक ही कैब अवेलेबल था, तो देर वॉज होगा, देर वर नहीं होगा, देर वॉज। एरर बी पार्ट में, बी पार्ट में। पैराकिट्स एक तरह के बर्ड होते हैं, ठीक है, पैराकिट्स बर्ड्स को बोलते हैं, बर्ड्स का नाम है। क्वाइट अ रैकेट वॉज बींग क्रिएटेड ऑन द मैंगो ट्री इन द पार्क बाय द पैराकिट्स। चलिए आंसर बताइए। दिन भर पढ़ाते हो, चलो मुझे बता, ये एक्टिव है कि पैसिव है? ये पैसिव है, वॉस के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब पैसिव है। अब हमें इसका एक्टिव ढूंढना है। अगर पैसिव में बीइंग लगा है, इसका मतलब है एक्टिव में कुछ आईएनजी चाहिए, तभी तो पैसिव में बीइंग लगेगा। आईएनजी चाहिए ना, और कैसा वाला आईएनजी? पास्ट कंटिन्यूअस। ये तो फ्यूचर है, हमें तो पास्ट कंटिन्यूअस चाहिए। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, गलत है, हमें तो पास्ट और कंटिन्यूअस भी चाहिए। आंसर फोर्थ है, फोर्थ फोर्थ। नेक्स्ट,
ये सब जब भी आप मॉक टेस्ट बनाते हो ना, तो मॉक टेस्ट में आपको मतलब 1 घंटे में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाता है, इम्प्रूवमेंट भी हो जाता है, अरेंजमेंट भी कर लेते हो, एरर भी है, सारा चीज हो जाता है। आंसर बताओ, जल्दी से पहले आप आंसर बताओ, उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे कैसे चलेंगे। अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है। आप पहले आंसर बताइए, उसके बाद कैसे। ये सेंटेंस आपको देख के बहुत लेंदी लग रहा होगा, बट वैसा कोई डिफिकल्ट है नहीं। सारा ऑप्शन सी से ही शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखना है, सारा ऑप्शन सी से ही शुरू हो रहा है, तो बहुत अच्छा उन्होंने दिया हुआ है। आप ध्यान से करिए राजा यादव, आप ध्यान से करिए, हो जाएगा। ये देखो, मुझे अगर जल्दी करना हो ना, तो मैं बोलूंगी अन इंजीनियर ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, इंजीनियर का काम ये होता है, मतलब पहली तरफ किसी का काम होता होगा ना, साइंटिस्ट और इंजीनियर के बीच में कंपैरिजन किया है। साइंटिस्ट को डिस्कवरर बोला गया है, साइंटिस्ट का काम ये है, तो दूसरी तरफ इंजीनियर का काम ये है। इसका मतलब कि डी के बाद ही बी होगा, पहले साइंटिस्ट का बोला है, फिर इंजीनियर के बाद, डी के बाद ही बी होगा। डी के बाद बी, चलो सही है, डी के बाद बी सही है, और यहाँ तो बी के बाद डी है, गलत है, बी के बाद डी नहीं होगा, यहाँ भी बी के बाद डी है। चलो मेरा दो ऑप्शन तो हटा ना, जैसे हाँ नहीं, बी के बाद डी नहीं होगा, जैसे कई बच्चों का आंसर थर्ड आ रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन हट गया। ठीक है, पहले वो अपने ऑप्शंस को छांट लीजिए फटाफट, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। साइंटिस्ट ये है, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इंजीनियर ये है, तो डी आएगा, फिर बी आएगा, यहाँ डी के बाद बी और यहाँ भी डी के बाद बी। चलो लेकिन मेरे दो ऑप्शन तो हट गया, अब मेरा काम आसान हो गया। अब मुझे डिसाइड करना है कि डी के बाद सी के बाद डी होगा या सी के बाद ए। अच्छे से देखो, सी में इन्वेंटर्स डिफाई डेफिनेशन, एज अ रिजल्ट दे आर फ्रीक्वेंटली डिफाइंड बाय व्हाट दे आर नॉट। और इसके बाद ना, इसके बाद ए इसलिए होगा क्योंकि इन्वेंटर और डेफिनेशन, फॉर एग्जाम्पल दिया है, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेंशन एंड साइंस, इन्वेंशन और साइंस के बीच में रिलेशनशिप है, इंजीनियरिंग के बीच में। ओके, पहले ए होगा, ए सेकेंड ही होगा, ए लॉक नहीं करूंगी, मतलब सेकेंड वाला आंसर होगा, सेकेंड वाला। ए कहाँ से होगा, ए कहाँ से हो जाएगा, बी आंसर है, बी बी आंसर है, बी वाला आंसर है। देखो 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 देखो, माय गॉड माय गॉड, ये देखो देखो, पहले बात इन्होंने की है इन्वेंटर की, और फिर बात की है साइंटिस्ट, साइंटिस्ट और इंजीनियर की, अस साइंटिस्ट और एन इंजीनियर, साइंटिस्ट और इंजीनियर का जिक्र किया है, और फिर बाद में बताया साइंटिस्ट का ये काम है और इंजीनियर का ये काम है। पहले तो उस व्यक्ति का जिक्र किया है, तो सी के बाद ए ही आएगा। माय गॉड, दो पी क्यू आर एस सही हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, 50 कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा, प्रैक्टिस करोगे 50 आएगा। थोड़ा सा एक बार आप समझ जाओगे ना, मेंस में देखा था बच्चे एकदम एडिक्टेड हो गए थे, मैम पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस, उनका सही होने लगा था, प्रैक्टिस करोगे इम्प्रूव हो जाएगा। 50 नहीं लाना है, यानी कि स्टेनो में 100 लाना है। वी टर्न इन टू द लेन, हम गली की तरफ टर्न किया, बिकॉज देर वॉज अ स्टेशनरी शॉप डैश द एंड ऑफ इट, गली के अंत में स्टेशनरी शॉप था। वो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, वो प्री की बात कर रहे हैं। आंसर जल्दी दीजिए, सबसे पहले मैंने बताया था। एट द एंड होगा, एट द एंड ऑफ द शॉप। एक तो आंसर आने में इतना टाइम लग जा रहा है, बट सम वॉट ओवर एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था, बट ही इज अ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। ठीक है, महत्वाकांक्षी तो है बट मेहनती है। और मैंने आपको बताया अनलेस, क्या बताया, क्योंकि आपके कमेंट का वेट करूंगी ना, बहुत मुझे जितना क्वेश्चन डिस्कस करना है नहीं हो पाएगा, अनलेस कंडीशन बताता है।
इफ भी कंडीशन बताता है, बट यहाँ पे कंडीशन नहीं बताया जा रहा है। ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है, महत्वाकांक्षी होने के बावजूद भी मेहनती था। आंसर दो होगा, दो 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 वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्शन होता है, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। बट समवॉट, पर थोड़ा बहुत महत्वाकांक्षी था, नहीं, दो दो समवॉट, दो एम्बिशियस, ही इज अ हार्ड वर्किंग, दो। द अक्यूज वर फाइनली चार्ज्ड एंड जस्ट, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्यूज, दोषियों को फाइनली दोषी करार दिया गया एंड जस्टिस वॉज मेटेड ऑन टू द विक्टिम। ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है, मेटेड, मेटेड आउट होता है, मेटेड आउट का मतलब है परिणाम, रिजल्ट मिलना। अब दोषियों को फाइनली चार्ज किया गया एंड जस्टिस वॉज मेटेड, मतलब उसको जस्टिस मिला। मेटेड ऑन कभी नहीं होता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन की गड़बड़ी है। मेटेड आउट, मेटेड आउट। अच्छा, सीएसएसएल की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, समझ गए सब। मेटेड ऑन नहीं होता है, मेट आउट, मेट आउट। द केमिस्ट सेड वी डू नॉट हैव स्टॉक ऑफ दिस मेडिसिन नाउ। सही है केशव, अक्यूज, अक्यूज मतलब दोषी, ठीक है, द अक्यूज। एक व्यक्ति के लिए भी अगर एक दोषी है तो मैं द अक्यूज वॉज भी बोल सकती हूँ, एक दोषी, पर हो सकता है बहुत सारे दोषी हो। द अक्यूज वर, दोषियों को फाइनली चार्ज किया गया, आएगा आएगा। तुक्का लगा के सही थोड़ी करना है। द केमिस्ट सेड वी डोंट हैव स्टॉक ऑफ दिस मेडिसिन नाउ, नरेशन है। नरेशन बनाते समय देख लेना कि आपका टेंस क्या है, पास्ट, पास्ट टेंस है, इसका मतलब है डू क्या में बदलेगा, डिड में बदलेगा, दिस क्या में बदलेगा, दैट में बदलेगा, नाउ क्या में बदलेगा, देन में बदलेगा। देन नाउ को नाउ छोड़ दिया है, गलत, नाउ को नाउ छोड़ दिया है, गलत। ओके, दिस क्या में बदलेगा, दिस दैट में बदलेगा, यहां भी दिस को दिस छोड़ दिया, गलत। तीन ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, ये बच देखो, डू भी डिड में, दिस भी दैट में, और नाउ भी देन में, फर्स्ट ही ऑप्शन, फर्स्ट ही ऑप्शन। इट्स अप टू यू आयुष, वैसे सी वर्सेस बैंक, विच इज बेस्ट, सबका अपना अपना चॉइस होता है। ये बोल रहे एसएससी मींस करप्शन, फिर भी तो सब आ रहे हो, तैयारी कर ही रहे हो। नीदर राम नॉर वीना हैव रिप्लाई टू द ईमेल आई सेंट यस्टरडे। जब भी हमारा सेंटेंस नीदर नॉर से जुड़ा हुआ है, हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी फॉलो करते हैं। जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक है, सब वर्ब के नजदीक कौन है, वीना, और वीना सिंगुलर है ना, तो हैव नहीं हो, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, हैज होगा, हैज, ये हैव नहीं होगा। और हैड भी इसलिए नहीं होगा ना, हैड हो सकता था, बट हैड के साथ V3 आता, तब ये भी हो सकता। V3 हैड आता, V3 होता, हैज रिप्लाइड होगा। इफ यू वर्क फास्टली यू कैन मैनेज टू टीच रीच योर डेस्टिनेशन इन 40 मिनट्स। जल्दी वर्क करोगे, फास्टली, फास्टली तो कई बार मैंने बताया, फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं, क्विकली होता है, स्लोली होता है, स्विफ्टली होता है, रैपिडली होता है, बट देर इज नो सच वर्ड लाइक फास्टली, फास्ट होगा, फास्ट एरर इसमें, फास्ट। He angrily asked the stranger who he was to speak so rudely to him. उसने angrily बोला स्ट्रेंजर से, तुम कौन हो मुझसे इतना रूडली बात कर रहे हो। सब लौट लौट के आते हैं। आयुष, आयुष नहीं है, कौन है ये, सब बैंकिंग के बाद फिर एसएससी का एग्जाम देने आते हैं। विक्रमा, ही एंग्रीली आस्क्ड मी,
आर यू और यस हु ही वॉज टू स्पीक, ही ये सिंपल पास्ट में जा रहा है ना, ही वॉज टू स्पीक सिंपल पास्ट में जा रहा है, और ये देखो पास्ट में जा रहा है, ये हमारा इनडायरेक्ट है, इसका डायरेक्ट बनाना, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो टेंस बदलता है ना, अगर ये पास्ट में है तो हमारा ऑप्शन प्रेजेंट में होना चाहिए, और आर के साथ, देखो यू के साथ तो स्पीक्स नहीं लगता है ना, यू स्पीक ये हटा, हु आर यू टू स्पीक, हु आर यू स्पीकिंग टू, ये भी नहीं होगा, ये तो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बदलता, हु आर यू स्पीक, हु आर के साथ, या तो वी थ्री या तो आई एन जी, ये भी नहीं होता आंसर इज, ऐसा थोड़ी बोलोगे, ऐसा थोड़ी बोलोगे, दो और चार में से एक, दो और चार में से एक, और दो और चार में से कोई भी नहीं है, आंसर थर्ड है, आंसर थर्ड है, दो और चार में से एक होगा। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना, वोकैबुलरी की क्लास आप इंग्लिश विद रानी मैम वाला पे आओ, वोकैबुलरी की क्लास एक दिन पहले थंबनेल से पता चल जाता है किस किस दिन वोकैबुलरी है, फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, सारे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ओवरऑल नजरिया देखा जाए, द करेंट सिचुएशन इज एन अनप्रेसिडेंटेड एंड अनफॉर्चुनेट मंथ्स फॉर द कंट्री। क्या बात है भाई, प्रियंका को आज बहुत हंसी आ रही है। आंसर बताइए, फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, सारे पहलू को देखा जाए, द करेंट सिचुएशन इज वन इज एन अनप्रेसिडेंटेड एंड अनफॉर्चुनेट, वंस नहीं होगा, सिंगुलर होगा, वन होगा, वन नहीं, अनफॉर्चुनेटेड नहीं है, अनफॉर्चुनेटेड वर्ड नहीं है भाई, अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है और अनफॉर्चुनेट भी एडजेक्टिव है, ये वन किसके लिए लगा, सिचुएशन के लिए, सिचुएशन नाउन है, नाउन के बदले आने वाले वर्ड प्रोनाउन होता है, सिचुएशन एक ही सिचुएशन की बात हो रही है, वन वन कूल योर हील्स, अपने हील्स को कूल करके रखो, ज्यादा उड़ो मत, अपने हील्स को कूल करके रखो, अनफॉर्चुनेटेड कोई वर्ड नहीं होता है, अनफॉर्चुनेट होता है, अनफॉर्चुनेट इज अनलकी, कि कूल योर हील्स मतलब होल्ड योर हॉर्सेस, वेट करो, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, द वेंडर इज सेलिंग अनियंस ऑन अ कार्ट, द वेंडर इज सेलिंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसका आईएनजी है, पैसिव बीइंग लगा के बनेगा, अरे ये दोनों ऑप्शन में बीइंग दिख रहा है, एक इसमें और एक इसमें, ये दो तो हो गए, बट सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है ना, एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट रखोगे, और ये तो पास्ट हो गया, गलत हो गया, गलत एरर किस टॉपिक से आता है, मैं आपका प्लस वाला स्टूडेंट हूँ, वेलकम, ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि मैंने 20 क्वेश्चन में से 5 छाप दिया और आप पढ़ के चले जाओगे आ जाएंगे, चलो साइंटिस्ट आर इन्वॉल्व, इन्वॉल्व के साथ इन आता है, यू आर इन्वॉल्व इन, यू आर इन्वॉल्व इन योर वर्क, यू आर एनग्रॉस्ड, एनग्रॉस का मतलब सब यूट्यूब पे पढ़ा दिया है, एनग्रॉस्ड इन, यू आर इंडल्ज इन, यू आर एब्जॉर्ब, आप अपने काम में खोए हुए, सब यूट्यूब पे फिक्स प्रेपोजिशन में पढ़ लिया है, इन लगता है, इन 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 मैं भी प्लस वाला स्टूडेंट, केनिया नॉट केनिया सॉरी, केनी आस्क्ड सी यू इफ शी हैड एनी आइडिया वेयर हिज मोबाइल वॉज, सेशंस अच्छे लग रहे हैं लाइक कर देना, ये क्या हिसाब किताब है, व्हाट इज द रेशियो, 80 लाइक्स एंड 92 वॉचिंग, ठीक है मैं 24 वाला भी देखती हूँ, 2-2 मैं 24 वाला भी देखती हूँ, 24 वाला पेपर भी देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि अगर वो रेडी हो गया होगा ना, 25 दिसंबर बोल रहे हो कि आप टफ था, मैं देखती हूँ, मैं उसी को करवाऊंगी, देखती हूँ कितना टफ था,
वो तो हाँ, ये वाला इन जो ट्रेवलर्स इन होता है ना, जो आपको हाईवे वगैरह पे होटल्स मिलते हैं, उसको आई डबल एन इन बोलते हैं। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर। नो एरर है, नो एरर है। इफ और वेदर एक साथ आता ही नहीं, दोनों डाउट बताता है। और शी के साथ हैज आता है, वो आता ही नहीं। और शी हैज एनी आइडिया, और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। कि नहीं, पास्ट में पूछा था, बट ये तो प्रेजेंट है, हटाओ। तो आंसर नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए इम्प्रूवमेंट, हाँ, अरेंजमेंट बनाइए इस बार आराम से। हाँ चलो आंसर बताओ। ये सैक्सोफोन, सैक्सोफोन एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो तो ऐसे बजाते हैं, पियानो की तरह उसके वो सब होते हैं। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सारे ऑप्शन सी से शुरू हो रहे हैं, इस बार कोई गलत नहीं करेगा। सी 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 सी। अब डिसाइड करो, दो ऑप्शन में सी के बाद डी और एक ऑप्शन में सी के बाद ए। अब डिसाइड करो क्या होगा। सम वेल सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन अराउंड फॉर सेंचुरीज। जो ये सैक्सोफोन है ना, इज अ रिसेंटली रिसेंट इन्वेंशन है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स से अगर कंपेयर किया जाए ना, तो ये जो सैक्सोफोन है, ये तो अभी तुरंत तुरंत इसका आविष्कार हुआ है, बहुत पुराना नहीं है। हाँ, सी के बाद डी होगा इसका। अभी रिसेंट इन्वेंशन हुआ। रिसेंट मतलब कब? इसको इन्वेंट किया गया है 1846 में। इसका मतलब है सी के बाद डी ही होगा, सी के बाद डी ही होगा। या तो ये होगा या तो ये होगा, ये कट गया। अब देखो सी डी सी डी, ए बी पे ध्यान दो, ए और बी पे कौन पहले होगा? पहले ए होगा, पहले ए होगा, बता रही हूँ क्यों। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू कंबाइन अ रीड रीड और विथ अ ब्रास बेल। ये इंस्ट्रूमेंट को कैसे बनाया गया, इसमें बेल वगैरह डाला गया और उससे साउंड निकल के आए, तो ए के बाद ही बी होगा। आंसर थर्ड है, थर्ड है, सी डी ए बी, सी डी ए बी। ये रेशियो बराबर है, 88 वॉचिंग इट, 88 लाइक्स। द एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएट करना मतलब टॉर्मेंट करना, प्रताड़ित करना, टॉर्मेंटिंग। पेन इन द डैश लेग, जो उसके टूटे हुए लेग, टूटे हुए लेग। ये लेग क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव। और वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, या तो फोर्थ फॉर्म। आईएनजी तो है नहीं, बट थर्ड फॉर्म है ना, ब्रोकन लेग, ब्रोकन लेग। मैं लेट हो गया। मेरा सही हो गया ऐसा नहीं बोलना है, मेरा सही होगा करना है। हो गया लग रहा है, ऐसा बोल रहा हूँ गलती से हो गया। नेक्स्ट, नो सूनर, ये तो आंख बंद करके जहां भी नो सूनर दिख गया, देख लो, नो सूनर के साथ दैन लगता है, THAN। और इन्वर्जन भी होता है, इन्वर्जन हो रहा है ना सब्जेक्ट के पहले को, सब्जेक्ट के बाद। हाँ आज क्लास है, आज क्लासिक बैच है, 3:30 से 5:30, और रात को भी 8 से 9:30 क्लास है, सब क्लास है। तगारी का सेड, आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन। आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन, यस। सगारिका ने पास्ट टेंस में बोला है, और ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। बट ये तो प्रेजेंट परफेक्ट ही छोड़ दी, और यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट। चलो अब बताओ, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सगारिका है, तो आई शी में बदलेगा ना, आई को आई थोड़ी छोड़ोगे, शी में बदलो, फर्स्ट 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 फर्स्ट। As per the experience of many countries, as the experience of many countries has shown, prevention is better than to cure. ये तो बना लोगे, ये तो अक्सर सुनते हो, इलाज से बेटर है कि बचाव कर लो, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन टू क्योर नहीं होगा, क्योंकि किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? प्रिवेंशन, प्रिवेंशन नाउन है, असली वाला भाववाचक संज्ञा,
और टू क्योर इन्फिनिटिव है, वैसे इन्फिनिटिव भी नाउन ही होता है बट असली वाला नहीं है ना, इसको असली वाला करो, इसमें से टू हटा दो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योर क्योर होगा। हाँ अच्छा, अब कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम यहाँ हैव क्यों नहीं लगाया है, इतने सारे कंट्रीज है तो हैव लगना चाहिए ना, बट ये कंट्रीज के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपीरियंस ने शो किया है, तो एक्सपीरियंस सिंगुलर है, हैज सही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एक और दिमाग गड़बड़ हो रहा है, विश्वास टेक्नो गर्दा 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 यही सब कर रहे हैं। चलो दो दे आर इन, चलो बताओ ऑप्शंस देखो, स्टेनो का पेपर देखो, ऑप्शंस तो इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, पहला वाला ऑप्शन तो आपके लिए एकदम फ्री में दे दिया है डी, तो कंफर्म है कि डी ही होगा। द अनियन अ हर्बेशियस बाइनियल प्लांट ऑफ द अमारिलिस फैमिली इज ग्रोन फॉर इट्स एडिबल बल्ब, तो कंफर्म है कि डी तो पहला हो। फिर आप लोग जो बोलते हो ना कि मैम ये हो रहा है वो हो रहा है, आप लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, सब गलत गलत जगह पे दिमाग लगाते रहते हो, थोड़ा सा दिमाग इंग्लिश में लगाओ ना, तो आपको लगेगा कि इससे इजी है, इससे मजेदार कोई चीज नहीं है। हाँ डी के बाद देखो, ये अनियन क्या है, ये अनियन सिंगुलर है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में थोड़ा सा आप टीचर के साथ प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा कुछ मिल जाएगा, ये अनियन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ दे तो नहीं लगेगा ना, दे तो नहीं लगेगा, तो इसका मतलब है कि डी के बाद तो बी होगा ही नहीं, क्योंकि अनियन नाउन है और नाउन के बदले हम प्रोनाउन लगाएंगे, बट अनियन सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लगेगा, तो डी के बाद तो बी आएगा नहीं, देखो दो ऑप्शन हट गए। ठीक है, मैंने बी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अनियन सिंगुलर है, उसके साथ दे नहीं लगेगा, इट होता तो लग सकता, अब डी के बाद क्या आएगा, कंफर्म है कि डी के साथ सी ही आएगा, दोनों में सी है। अब ए और बी पे ध्यान दो, एक ऑप्शन में बी ए है और एक है बी ए बी, हाँ बताओ क्या होगा, ए और बी में कौन सा पहला आएगा, पहला क्या आएगा, पहले ए आएगा या बी आएगा, पहले ए आएगा, अरे ध्यान ही नहीं दे रहे हो साहब, ऑल दो दे आर न्यू, देखो देखो पढ़ो तो, दे आर लो इन न्यूट्रिएंट्स, दे आर वैल्यूड फॉर देयर फ्लेवर, इसको इसकी इसको वैल्यू किया जाता है उसके फ्लेवर के लिए, और फ्लेवर में भी क्या, किसमें फ्लेवर डालता है, पहले तो फ्लेवर की बात की, स्वाद की, और स्वाद डालता है रोस्ट में, सूप में, सैलेड में, मतलब ए के बाद ही बी होगा, आंसर सेकेंड है, गलत गलत दे रहे हैं, बी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, ए के बाद बी आएगा ना, ए के बाद बी आएगा। ओके, दो दे आर दो न्यूट्रिएंट्स में, मतलब इसमें बहुत पौष्टिक चीज तो नहीं है, बट जो अनियंस है ना, प्याज फ्लेवर डालता है हमारे खाने को, और क्या क्या चीज में फ्लेवर डालता है, सूप में डाल दो, सैलेड में डाल दो, तो ए के बाद ही बी आएगा, हड़बड़ी में करते हो सब, पता नहीं क्या सोच रहे हो, पहले मैं बोलूंगी ना ये तो खाने में स्वाद ला देता है, और कौन कौन से खाने में, सूप में, सैलेड में, फिर मैं बताऊंगी, ए बी है। देखो फिर एक और आ गया, नहीं नहीं ये तो नरेशन है, नरेशन नरेशन है, एग्जाम तो काफी अच्छा जाता है, बट आपका देखना है कि आपका एग्जाम अच्छा था या नहीं, एग्जाम तो सब अच्छे ही आता है। चलो, द सर्कुलर आस्क ऑल द रेसिडेंट, सर्कुलर मतलब नोटिस, नोटिस ने सारे रेसिडेंट को कहा कि 11 बजे तक तो अपने कूड़ा रेडी रखो, कॉर्पोरेशन के स्टाफ आके कलेक्ट करके ले जाएंगे, तो आस्ट 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 पास्ट में, पास्ट में अपने ऑप्शन एलिमिनेशन सीखिए, जिस दिन आप ऑप्शन एलिमिनेशन सीख जाएंगे उस दिन आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखिए। हाँ ये पास्ट में, तो इसका मतलब है ये कौन सा, हाँ पास्ट में, पास्ट में देखो द सर्कुलर सेड, चलो बताओ, ऑल रेसिडेंट्स हैव बीन रिक्वेस्टेड, ये सिंपल पास्ट है, और हैव बीन तो होगा नहीं, क्योंकि हैव बीन रहता है ना तो यहाँ जाके हैड बीन होता है, हैड बीन लगता है, हैव बीन का ये होगा नहीं, और विल है तो इसका मतलब कहीं जाके यहाँ पे वुड आता, ये भी नहीं हो, बताओ कैन कैन की कैन है तो आगे क्वेश्चन में कुड होता है, आंसर फोर्थ है।
सीज सीज तो कई बार आपको करवा दिया मैंने सीज। सीज सीज ये जो नेटिव है ना, ये नेटिव यहाँ पे किसका, ये नेटिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए दे कहाँ से यूज करोगे? नेटिव, नेटिव मतलब इसका, उसको उगाया जाता था पहले साउथ एशिया में। वैसे द नेटिव नाउन भी होता है, द नेटिव मतलब वहां के रहने वालों के सेंस में, जो भी पूछ रहे हैं। सीज करना मतलब कब्जा कर लेना, और इसका उल्टा पूछा है, कब्जा करने का उल्टा करने, ये तो कैप्चर इसका सिनोनिम है, स्नैच भी सिनोनिम, रिलीज कर देना, रिलीज रिलीज। अरे यानी कि वही गलती करते हो जो पेपर सेटर होते हैं ना, उनका एक माइंड सेट होता है, उन्हें पता होता है बच्चों का माइंड, कि हमने तो एंटोनिम पूछा है, लेकिन बच्चे हड़बड़ी में, क्योंकि ये ऑप्शन में सिनोनिम भी डालेंगे, और बच्चे हड़बड़ी में सिनोनिम करके आ जाएंगे, बट इन्होंने एंटोनिम पूछा है। हाँ, इसका एंटोनिम पूछा है, तो आपको सिनोनिम नहीं करके आना। वेटिंग एट दिस बिलिंग काउंटर अनलेस आई हैव, क्या, सॉरी, वेट एट दिस बिलिंग काउंटर, इस बिलिंग काउंटर पे वेट करो जब तक कि मैं आइटम्स ले नहीं आऊं, अनलेस आई हैव ब्रिंग ना, इजी है। बताइए। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैव के साथ ब्रॉट आना चाहिए, क्वेश्चन गलत है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए, गलत। बट अंटिल है और अनलेस है, हम यहाँ टाइम के बाद तब तक वेट करो जब तक मैं ना आ जाऊं, अनलेस अंटिल आई ब्रिंग, और अंटिल कंडीशनल है, अंटिल और अनलेस कंडीशनल होता है, उसके साथ सिंपल प्रेजेंट लगाना, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आई हैव ब्रॉट मतलब मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ, अभी मैंने खरीदा नहीं है, जब तक मैं खरीद के ना ले जाऊं तब तक वेट करो। पल्लवी सेड आई एम गोइंग टू बेक अ स्पॉन्ज केक टूमोरो, यस सेकेंड होगा, आई एम गोइंग टू बेक अ, डी आंसर वॉज गोइंग पास कंटिन्यूअस, आपको भी पास कंटिन्यूअस, पास कंटिन्यूअस, ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस। बताओ। अपने ऑब्सोलीट वर्ड आपको करवाया है मैंने, ऑब्सोलीट का मतलब है आउटडेटेड, आउटडेटेड मतलब जो यूज में नहीं है, ओल्ड फैशन है, यूज में नहीं है, और इसका एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है, जो यूज में नहीं है, पुराना हो गया है, तो इसका उल्टा मॉडर्निटी होगा ना, मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्न। ये देखो यहाँ पे फिर से वही आ गया, आई विश द पीपल इन द क्यू, आई विश की जो लोग लाइन में खड़े हैं थोड़ा सा और जल्दी मूव करते, और मैंने आपको बोला है फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं। चलो आप बताओ आंसर, बताइए, एक ऑप्शन तो हटा दिए। आंसर बताइए। अच्छा वर्ब मूविंग, अच्छा ये तो हटा ना, दो ऑप्शन हटाओ, मॉडल वर्ब के साथ वी वन लगता है, ये भी हट गया। आई विश मैं, आई विश मैं चाह रहा हूं, आप चाहते हो कि लोग थोड़ा जल्दी जल्दी मूव करें, और वर मूविंग मतलब लोग मूव कर रहे थे, द पीपल वर मूविंग का मतलब क्या है, लोग ऑलरेडी मूव कर रहे थे, लोग मूव नहीं कर रहे थे, वो चाह रहे थे काश लोग थोड़ा सा और जल्दी मूव करें, तो ये तो होगा नहीं, और दूसरा फास्टर आएगा, फास्ट नहीं आएगा, फास्टर क्यों, वो चाह रहा था ना कि जिस रफ्तार में लोग अभी मूव कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा करें, कंपेरिजन हो रहा पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा, ओके फास्टर, हाँ अ लिटिल फास्टर पहले से जो।
दिस ब्रोशर गिव्स इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यूज द गैजेट. आंसर बताइए. ये जो ब्रोशियर है जो पैम्पलेट वगैरह है, हाँ बताना. इंस्ट्रक्शंस देता है कि गैजेट को कैसे यूज करना है. दिस ब्रोशियर गिव्स इंस्ट्रक्शंस. हाँ गिव्स है. अरे एक्टिव पैसिव खेल है टेंस का. ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो आपको भी सिंपल प्रेजेंट रहना है. इसने पास्ट कर दिया, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया, पास्ट कर दिया, तो ये तो आंसर फोर्थ होगा ना. फोर्थ 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 आंसर होगा फोर्थ. हाँ अब आ गया आपका, वेरी गुड. क्लोज टेस्ट, चलो एक क्लोज टेस्ट करते करते हमारा क्लास एंड भी हो जाएगा. एक बार क्लोज टेस्ट को रीड करके मुझे कमेंट बॉक्स में डन बोलेंगे. ओके हमारा 655 क्वेश्चन हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द क्लोज टेस्ट ताकि आपको पता चले किस बारे में है, और मुझे डन बोलना, पढ़ के डन बोलना. शांति से पढ़िए सब. नहीं पहले मुझे डन बोलना ताकि मुझे पता चल जाए ना कि सबने पढ़ लिया है. आई थिंक मुझे ना लग रहा है कि लास्ट वाला आपको दिख नहीं रहा होगा, लास्ट वाला आपको दिख नहीं रहा होगा. डाउन है एंड डाउन हिज स्टडी. आंसर बताइए. डन हो गया. चलो इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट. ठीक है इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट. द ओल्ड बैंकर वॉज वॉकिंग डैश एंड डाउन हिज स्टडी. बताना क्या होगा. अप एंड डाउन. हाँ वो ऊपर नीचे मूव कर रहा था. डाउन के साथ ना हियर एंड देयर होता है, हियर के साथ देयर होता है, बट अप के साथ डाउन होता है. अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. हाँ केशव उसने डाल दिया. वैसे रिमेम्बरिंग तो वर्ड होता नहीं है, बट उसने डाल दिया. बट वहां पे क्या एरर है. इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट. द ओल्ड मैन वॉज द ओल्ड बैंकर वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन हिज स्टडी एंड रिमेम्बरिंग डैश 15 ईयर्स बिफोर. और वो याद कर रहा था कि आज से 15 ईयर्स बिफोर एंड रिमेम्बरिंग. बताओ. एंड रिमेम्बरिंग दोस. अच्छा एंड रिमेम्बरिंग दोस 15 ईयर्स बिफोर. अरे नहीं, और वो याद कर रहा था कि हाउ कैसे 15 साल पहले मैंने पार्टी दिया था ऑटम में. दोस नहीं होगा, कहीं भी कुछ भी नहीं लगा देना है. ठीक है आगे जाके सेंटेंस बन रहा हुआ, और वो याद कर रहा था कि कैसे दोस 15 ईयर्स बिफोर. दोस 15 ईयर्स नहीं होगा, वो दोस 15. ये देखो ये देखो, दोस 15 ईयर्स मतलब दोस 15 ईयर्स मतलब वो 15 साल, वो 15 साल उसने पार्टी नहीं दिया, लगातार 15 साल पार्टी नहीं दिया. ओके वो हाउ 15 ईयर्स बिफोर, कैसे 15 साल बिफोर, 15 साल के पहले वाला. दोस 15 ईयर्स का मतलब है वो पूरे 15 साल तक पार्टी नहीं दिया उसने. हाउ 15 साल बिफोर. माय गॉड ये सब भी गलत करके आओगे. बस 15 ईयर्स की बात करूँ ना, तो मैं पूरे 15 साल की बात कर रही हूँ. वे पूरे हुए 15 साल, 15 साल तक पार्टी नहीं दिया, 15 साल पहले उसने जो पार्टी दिया था. ही हैड गिवन अ पार्टी, पास्ट की बात हो रही है. ही हैड गिवन अ पार्टी वन ऑटम इवनिंग. डैश हैड बीन मेनी क्लेवर मैन प्रेजेंट. जल्दी जल्दी करते हैं. चलो बताओ. यस देयर हैड बीन. मैं उसके पार्टी के बारे में बता रहे हैं. देयर 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 हुज नहीं होगा, वेयर नहीं होगा. देयर देयर वेरी गुड. देयर हैड बीन मेनी पार्टी में, देयर हैड बीन मेनी क्लेवर मैन प्रेजेंट.
डैश एंड दे हैड इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस. पार्टी में बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे और अच्छी बातें बातचीत हो रही थी. एंड होगा ठीक है, बट नहीं होगा. बट वाले सेंटेंस में एक पार्ट पॉजिटिव जाता है, एक नेगेटिव जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं. ठीक है, क्योंकि वो बोल रहे पार्टी में बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे और बहुत सारी बातें इंटरेस्टिंग हो रही थी, और मतलब दोनों में से कोई एक, ये भी नहीं होगा. और इफ तो कंडीशन बताता है, ये भी नहीं. ओके, यस, देर हैड बीन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस. अब नेक्स्ट वाला बताओ. डैश अदर थिंग्स, बाकी सब चीजों के अलावा उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट के बारे में भी बात की. कैपिटल पनिशमेंट किसको बोलते हैं? फांसी को बोलते हैं. फांसी, फांसी को बोलते हैं. आंसर बताइए. असाइड, असाइड का मतलब हो ना लोगों से दूर, अकेले में. अकेले में थोड़ी बात हो रहा था, सारे गेस्ट लोग एक साथ मिलके कर रहे हैं. और विद इन भी नहीं होगा, विद इन प्लेस के सेंस में, टाइम भी बता नहीं रहा. हाँ, अब कुछ बच्चे हमारे ऑल्सो बोलेंगे. देखो, मैक्सिमम बच्चों, कल भी मैं ये सेट करवा रही थी ना, तो बहुत सारे बच्चे ऑल्सो बोल रहे थे. ऑल्सो तब लगाते हैं ना अगर मैं ऐसा बोलती, दे हैड टॉक्ड. दे हैड टॉक्ड मतलब वो इस चीज के बारे में बात कर चुके थे, एंड ऑल्सो दे हैड टॉक्ड, एंड वो इसके बारे में भी बात कर रहे थे. तो ऑल्सो तो हम तब लगाते हैं ना जब पहले कोई और बात हो चुकी है. ये बोल रहे अमंग अदर थिंग्स. अमंग अदर थिंग्स मतलब बाकी सारे बातों के बीच ये बात भी लोगों के बीच हुई थी, फांसी वाला. अमंग होगा, अमंग. ये सब सोचते नहीं हो और एग्जाम में गलत हो जाता है. अमंग अदर थिंग्स दे हैड टॉक्ड, बाकी चीजों के अलावा दे हैड टॉक्ड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, फांसी. द डैश ऑफ द गेस्ट, अमंग डैश द, मच नहीं होगा ना, मच तो अनकाउंटेबल के लिए है, बट गेस्ट तो काउंट कर सकते हो. और द सम तो नहीं लगाते हो ना, द सम ऑफ द नहीं लगाओ. द और सम एक साथ तो लगेगा नहीं, क्योंकि सम प्रोनाउन है, सम प्रोनाउन है, और द नाउन के साथ लगता है, तो सम भी हटा. और द एनी भी नहीं होगा, प्रोनाउन है. द मेजोरिटी होगा, मेजोरिटी नाउन होता है. द मेजोरिटी ऑफ द गेस्ट, ज्यादातर गेस्ट जो थे ना, अमंग डैश, अमंग गेस्ट के लिए, गेस्ट के लिए तो वॉट नहीं लगाओगे, सेम नहीं लगाओगे. अमंग हुम, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन लोगों की बात हो रही है. मेजोरिटी ऑफ जो गेस्ट थे ना, उसमें से मेजोरिटी लोग जर्नलिस्ट थे, और अमंग प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, हुम ऑब्जेक्टिव है. द मेजोरिटी ऑफ हुम वेर, जितने भी गेस्ट थे उसमें से मेजोरिटी लोग जर्नलिस्ट थे एंड इंटेलेक्चुअल मैन थे. डैश ऑफ द डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी के डैश थे. वही कैपिटल पनिशमेंट को डेथ पेनल्टी बोलते हैं. आंसर बताइए. यस, ये देखो यहाँ पे लगाया है डिसप्लीज, ऑफ लगा है. डिसप्लीज के साथ विथ लगता है, अपील के साथ टू भी लगता है, अपील के साथ फॉर भी लगता है. ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें ऑफ लगाना है ना. रिफ्यूज के साथ तो ऑफ नहीं लगा. डिसअप्रूव ऑफ, डिसअप्रूव का मतलब है सहमत नहीं होना. ठीक है, तो चलो हमने 55 क्वेश्चन कर लिया है. 100 क्वेश्चन 10 में आते हैं, बट हमने 1 आवर में 55 क्वेश्चन कर लिया. चलो बैचेस के बारे में फटाफट बता दूं बिफोर आई लीव, कि बीच में डिस्कस करने से मोमेंटम फ्लो टूटता है बैच का. बहुत सारे बैचेस इस मंथ में आ रहे हैं. सबसे पहले तो 25 जनवरी से फी हाइक हो रहा है. ठीक है, तो जिसको भी एडमिशन लेना है फटाफट ले लेंगे. 25 जनवरी से फी बढ़ गया है, और मेरे 2 बैचेस फरवरी में आ रहे हैं. ठीक है, एक वो कैप और एक फाउंडेशन. मैं चाहती हूँ अगर बैच को ज्वाइन करने का मन बनाया है, 25 से पहले एडमिशन ले लो, ताकि आपको पुराने फी में एडमिशन मिल जाए, नहीं तो फी वो बढ़ा रहे हैं. ठीक है, और आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. आपका कोड यूज करना है Rani10, एडमिशन के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हो. 10% आपको डिस्काउंट मिल जाए. ठीक है, Rani10 कोड यूज करोगे, मिनिमम 1 ईयर तो लेना ही है आपको. और ज्यादा आपको दिक्कत है तो इस नंबर पे फोन करना, 9540809387.
तो जो हमारे बिगनर्स हैं वो नेक्स्ट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फाउंडेशन से शुरू होगा बैच। ओके थैंक यू थैंक यू। कल यूट्यूब नहीं आने के, मंडे से फ्राइडे होता है ना, मंडे से। अभी मैंने टू टू ने बोला मैम 25th का पेपर लेके आइएगा, मुझे देखना होगा कि क्या ऐसा बात है कि 25th का पेपर टफ लग गया। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम उसी को लेके आऊँ। ओके चलो थैंक यू एवरीवन। मैं कैसे बोल दूँ राजदीप, ये मेरे मेरा इंस्टीट्यूट थोड़ी है कि मैं आपको बोल दूँ, मैं उनको बोल दूँ कि फी हाइक ना करें, मैं कैसे बोल दूँ। वो तो दिसंबर में ही करने वाले थे, आप लोगों के डिमांड पे उन्होंने रोक दिया था। ओके चलिए फी हाइक ना करें, काश मैं ऐसा कर पाती। ये तो अनअकैडमी है जिसपे हम लोग पढ़ा रहे हैं बस। थैंक यू एवरीवन। अब हम मिलेंगे, कब मिलेंगे? यूट्यूब को देख लेना, वैसे तो मंडे यूट्यूब होना चाहिए बट उन्होंने शायद कल का भी एक प्लान करने का सोचा है। सैटरडे यूट्यूब होगा तो देख लेना, अगर क्लास शेड्यूल होगा तो कल 1 बजे अनअकैडमी यूट्यूब पे भी आपको क्लास मिल सकता है। प्रियंका मतलब 55 में आपके 11 रॉन्ग हो गया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलो सेशन अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना जाने से पहले। थैंक यू एवरीवन।